और अब आपको दिखाते हैं एक मिनट एक खबर। किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है और किसान संगठनों से लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या है रणनीति, जानिए अगले 60 सेकंड। पंजाब के किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने कहा है कि उनका धरना 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ने जो रेल रोको आंदोलन है वो 2 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का पूरी तरह समर्थन करते हैं। कांग्रेस ने भी कहा है कि इस बार वो गांधी जयंती के दिन को कांग्रेस मजदूर बचाव दिवस के रूप में मनाएंगे। कांग्रेस विधानसभाओं के बाहर धरना और प्रदर्शन करेगी। ऐसे ही कार्यक्रम जिला स्तर पर भी आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने कहा है कि सभी मुख्यमंत्री केंद्र के कृषि विधेयकों को खारिज करने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार करें। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने कल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और कृषि बिल का विरोध जताया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लंदन में प्रदर्शन किया और किसानों से जुड़े बिलों का विरोध किया। और बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। आज क्या होगा देखिए एक मिनट में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और एलजेपी के बीच स्थिति आज साफ हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी का एक गुट कम सीटों पर समझौता कर एनडीए में ही रहना चाहता है, लेकिन दूसरा गुट एकला चलो के मूड में है। वो अकेले 143 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, खासकर जेडीयू के खिलाफ। भाजपा के साथ हमारी गठबंधन की जो बातें हो रही है, विभिन्न चैनलों पे कोई 30 बता रहा है, कोई 28 बता रहा है, कोई 32 बता रहा है, तो ये जितनी भी खबरें चल रही है सब भ्रामक खबर है। भाजपा के किसी भी बड़े नेताओं से, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ अभी कोई बात नहीं हुई है। फिलहाल एलजेपी के 2 विधायक हैं। एलजेपी के कई नेताओं का मानना है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा अकेले लड़ना चाहिए, लेकिन इसके लिए पार्टी को एनडीए से पूरी तरीके से तलाक लेना होगा। हालांकि इस पर आखिरी फैसला पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान करेंगे। कांग्रेस और आरजेडी के बीच मतभेद की खबरों पर आरजेडी ने अपना रुख साफ कर दिया है। आरजेडी का कहना है कि महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है और जल्दी सीटों को लेकर बातचीत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छता को लेकर अहम कार्यक्रम में शामिल होंगे। देवभूमि को आज क्या सौगात मिलेगी देखिए अगले 60 सेकंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में आज 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। देवभूमि में जिन परियोजनाओं का लोकार्पण होना है उनमें हरिद्वार में 4, ऋषिकेश में 2, मुनि की रेती में 1 और बद्रीनाथ में 1 एसटीपी शामिल है। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करेंगे। भारत जैसे देश में इतने आधुनिक किस्म के एसटीपी प्लांट लग रहे हैं। प्रधानमंत्री आज गंगा से संबंधित प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का भी उद्घाटन करेंगे। ये म्यूजियम गंगा से जुड़ी संस्कृति, जैव विविधता और कायाकल्प गतिविधियों को प्रदर्शित करेगा। संग्रहालय हरिद्वार के चंडीघाट पर बना है। केंद्र की मोदी सरकार ने गंगा की सफाई और संरक्षण के लिए नमामि गंगे योजना शुरू की थी। केंद्र सरकार ने इसके लिए काफी बड़ा बजट आवंटित किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए पीएम मोदी ने चीन पर क्या कहा है देखिए खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस ने दिखा दिया है कि वैश्विक आपूर्ति के लिए किसी एक स्रोत पर निर्भरता जोखिम भरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन संदेश उसी के लिए था। कोविड-19 ने दिखाया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन का किसी भी सिंगल सोर्स पर अत्यधिक निर्भर होना कितना रिस्की होता है। कल पीएम मोदी ने अपने डेनमार्क समकक्ष मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ बात की। इसी दौरान उन्होंने ये टिप्पणी की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ सप्लाई में विविधता लाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस पहल में शामिल होने के लिए समान विचारधारा वाले देशों का स्वागत है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना काल के बाद भारत की रणनीति है कि वो चीन से हटने वाले निर्माण उद्योगों को अपने यहाँ लगाए। इसके लिए सरकार ने टैक्स में भी कमी की है। हाल के दिनों में चीन से भारत के संबंध दुनिया भर में जाहिर हो चुके हैं। अमेरिका और जापान ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। रिया और शोविक चक्रवर्ती को लेकर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या होने वाला है देखिए रिपोर्ट। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ दीपेश, सैमुअल मिरांडा और अब्दुल बासित की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट में रिया के वकील के साथ सभी पक्ष अपनी दलील देंगे।
आज कोर्ट में एनसीबी की तरफ से दलील दिए जाने की भी उम्मीद है। रिया और शोविक ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए हैं, दोनों अभी जेल में हैं। रिया और शोविक की जमानत याचिका एनडीपीसी कोर्ट से खारिज हो चुकी है। बुधवार को भारी बारिश की वजह से इनकी सुनवाई टाल दी गई थी। एनसीबी ने 8 सितंबर को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मुंबई की भाईखला जेल में भेजा गया था। वहीं 22 सितंबर को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी, लेकिन कोर्ट ने रिया को राहत न देते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। एनडीपीसी कोर्ट में रिया की याचिका खारिज होने के बाद रिया और शोविक ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहाँ आज तक के लिए उनकी सुनवाई टाल दी गई थी। सुशांत केस से निकले ड्रग एंगल में अभी तक कुल 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को मुख्यमंत्री के लिए क्यों कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा, 60 सेकंड में ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ी चेतावनी दी है। राज्यपाल धनखड़ ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी की चिट्ठी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी मुझे आर्टिकल 154 देखने के लिए मजबूर ना करें, जिससे राज्य की शक्तियां गवर्नर में निहित हों। दो दिन पहले ममता बनर्जी ने राज्यपाल को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने राज्यपाल को संविधान के दायरे में रहकर काम करने की बात कही थी। और अब देश में कोरोना पर अपडेट अगले एक मिनट में। देश में अब तक 50 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 82,170 नए केस आए, 1,039 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले 24 घंटे में 74,893 लोग इलाज से ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 60,74,702 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 50,16,521 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 9,62,640 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 95,542 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज से ठीक होने वालों का दर 82.58% पहुँच गया है। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। कोविड वैक्सीन के कंटेक्स्ट में एक पोर्टल को आज स्थापित किया गया है, जहां देश के लोग उस पोर्टल पर जाकर कोविड वैक्सीन से जुड़ी हुई सारी रिसर्च और उससे जुड़ी हुई जो भी डेवलपमेंट्स हैं, इस सब की जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे। और इसी के साथ दिल्ली की सड़कों पर अब यमराज किस तरह से घूम रहे हैं, ये वजह भी आप जानिए। दिल्ली की सड़कों पर अब यमराज घूम रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाई जा रही है। कोरोना से सुरक्षा में थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई तो यमराज चालान भी काटेंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस की हैं। ये नया अभियान जिला प्रशासन की पहल है। लोगों में कोरोना को लेकर गंभीरता कम हो रही है, कई लोग बिना मास्क के ही बाहर घूम रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने की यह अनोखी मुहिम कारगर साबित हो रही है। दिल्ली में कोरोना के 29,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है और अब तक कोरोना से 5,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दिल्ली में 2,380 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.